राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजस्थान में वैसे तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी चुनावी ताल ठोकी है। जयपुर में पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि मोदी को हराना हमारा मकसद है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा मकसद है कि मोदी दोबारा देश का PM ना बने। लेकिन जब हर बार यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने मोदी को वोट नहीं किया, तो फिर लोकसभा में कैसे मोदी को 25 की 25 सीटें आ जाती हैं? उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस और गहलोत का वोटर ही लोकसभा में मोदी को वोट देता है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे MP कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि रविवार शाम को कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस अब तक 76 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। दरअसल राजस्थान में पिछले 30 सालों से बदलाव का रिवाज है, यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलती है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत को अपने लोक लुभावन वादों और योजनाओं के चलते इस रिवाज के टूटने की उम्मीद है। लेकिन पहली बार राजस्थान के चुनाव में ताल ठोकने वाले ओवैसी किसे नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।